नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं जो गुप्त से भी गुप्त है, मंजू घोष देवता का मंत्र। और शायद आप में से किसी ने इस देवता का नाम नहीं सुना हो। जब आप सुनते हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो आपको लोग बताते हैं कि हनुमान जी का मंत्र पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसने बोला था कि 10 लाख हनुमान चालीसा का जाप किया है। तो क्या हनुमान चालीसा या हनुमान जी की भक्ति से अष्ट सिद्धियां मिलती हैं? नहीं, उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोला जाता है क्योंकि वो महादेव के रूप हैं, और जो अष्ट सिद्धियां हैं वो महादेव जी के अलग अलग रूपों के साधना से आपको मिलती है, जिसमें जो प्रथम सिद्धि है वो है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है कि आपने जो बोला वो सत्य होगा। उसी का एक दूसरा प्रारूप ये है कि आपको ये पता है कि होने वाला क्या है और आप वही बोलते हो जो होने वाला हो। जब भैरव तंत्र में भगवती ने महादेव से पूछा कि महादेव आप मुझे ये बताइए कि ये मंजू घोष देव कौन है, तो महादेव जी ने बताया कि ये उन्हीं का तांत्रिक स्वरूप है। और उसके बाद एक पूर्ण विधान बताया, जो इनका तांत्रिक विधान है उसमें त्रिमुंडी आसन का प्रयोग होता है। लेकिन उसी में भगवती को महादेव ने बताया कि जो मंजू घोष मंत्र का षटाक्षरी मंत्र, ठीक है, 6 लाख जाप करता है और पुरुषचरण करता है, उसको वाक शक्ति की प्राप्ति होती है और वो कवि हो जाता है, विश्व के सारी जानकारी उसके पास होती है, जो वो ना कर पाए। और जो त्रयाक्षरी मंत्र को 3 महीने तक भी जाप करता है वो भी बहुत पांडित्य हासिल करता है, और जो 6 महीने तक बस इसका जाप करता है उसका अगर बुद्धि सुप्त अवस्था में भी हो तो वो भी कुशाग्र बुद्धि का मालिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे मंजू घोष देवता बहुत उच्चिष्ट देवता है और इनको जो सामग्रियां चढ़ती हैं वो बिल्कुल ही तांत्रिक प्रवृत्ति की होती हैं, गृहस्थ उसको नहीं चढ़ा सकते। तो इनकी साधना विधि पे ना जा करके मैं इनका आपको जाप मंत्र बता रहा हूँ। और इस जाप मंत्र को आप अगर रोज जाप करेंगे, ठीक है, 6 लाख जाप करेंगे, तो आपको वाक शक्ति धीरे धीरे आने लगेगी। और सिर्फ एक माला रोज करेंगे तो आपका जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होता जाएगा समय के साथ। एक चीज ध्यान रखना है कि जितना मंत्र बता रहा हूं उतना ही करना, ना शुरुआत में ओम लगाना है आप लोगों को, ना लास्ट में स्वाहा हुम फट स्वाहा हुम फट स्वाहा, कुछ नहीं लगाना। ओम तो इनके मंत्र में गलती से भी नहीं लगाना है, ठीक है। क्रमबद्ध चलिएगा तो सबसे पहले अगर आपकी बुद्धि जड़ हो गई है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, तो आपको त्रयाक्षरी मंत्र है उसका 3 या 6 महीने जाप करना चाहिए। जो पहला त्रयाक्षरी मंत्र है वो है क्रौम ह्रीम श्रीम, ठीक है, क्रौम ह्रीम श्रीम। ये मंजू घोष देव का वो त्रयाक्षरी मंत्र है जो जड़ता को नष्ट कर देता है। इसको करने के बाद दूसरा त्रयाक्षरी मंत्र होता है ह्रीम श्रीम क्लिम। ये जो त्रयाक्षरी मंत्र है ये साधक को श्रुतिधर बनाता है, ठीक है। और जब इसको 3 महीने या 6 महीने आप जाप कर लो तो अंत में सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए एक अक्षरी मंत्र का जाप होता है ह्रीम का, ठीक है। अगर मैं आपको इस साधना में जाप संख्या नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब इसका जाप गिन के नहीं होता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। गिनती उनके लिए
जो कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जो इस साधना को मतलब 10 मिनट बाद जिनको ऐसा लगने लगे कि अब मैं साधना नहीं कर सकता हूँ, वो चाहे तो समय तय कर ले कि 1 घंटा मैं रोज साधना करूंगा, या फिर 10 माला 11 माला एक तय कर ले कि रोज मुझे करना है। इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि इसको जब भी आप करेंगे तो घर के दहलीज के बाहर करेंगे, ठीक है। देवता का ध्यान जो होता है वो किसी भी और देवता के ध्यान से अलग होता है। कैसे होता है इनका ध्यान? इनका ध्यान में आप पहले तो घर से बाहर बैठेंगे, और उसके बाद आप ऐसा सोचेंगे कि आप पलाश या अशोक के वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, और आप त्रिमुंड आसन पर विराजमान हैं, ठीक है। और आपके सामने एक स्वान का मुंड रखा हुआ है। उस मुंड पर आप मंजू घोष देवता का ध्यान करेंगे कि उस पे मंजू घोष देवता विराजमान है। तो उनका रूप क्या होता है? मंजू घोष देवता जो है वो सर्व सिद्धिदायक है, ठीक है। और मंजू घोष देवता चंद्रमा का समान उनका वर्ण है। एक हाथ में खड़ग धारण किया है और दूसरे हाथ में पुस्तक धारण करते हैं, ठीक है। मनोरम शरीर है और शांति मूर्ति है। इनका जो नेत्र है वो कमल नैना है, और साधक की कुमकुमता का नाश करने वाले हैं। ऐसा मंजू देव देवता का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431185 85। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मेरे वेबसाइट www.agortantra.se पर जा सकते हैं। कॉल करने के लिए कॉलिंग फॉर ऐप, उसमें रुद्रनाथ@gmail.com मेरा आईडी है। मंजू घोष देवता आप सभी को अष्ट सिद्धि का प्रथम सिद्धि है, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश।